दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 91 आकाशवाणी FM रेडियो का शुभारंभ ऑनलाइन किया। वही झारखंड के साहिबगंज, गोंडा और लोहरदगा में आकाशवाणी FM का उद्घाटन किया गया। उधर बरहरवा कुशवाहा टोला में FM रेडियो शुरू होने से 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अब रेडियो एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं अपनी कार में लगे रेडियो ऑडियो सिस्टम से FM का आनंद उठा पाएंगे। ऑनलाइन उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में FM रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वह कृषि हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र। देश के वो क्षेत्र जो अभी तक AIR FM कवरेज से वंचित थे, ऐसे 91 जगहों को चिन्हित कर 100 वॉट के FM स्टेशनों का शुभारंभ हो रहा है। AIR FM की नई पहल से 2 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा और कवरेज में 35,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। लोगों तक सटीक सूचनाएं और स्वस्थ मनोरंजन की पहुंच बढ़ेगी। आकांक्षी जिले हों या वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हो या ऐसे इलाके जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था, अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन, जिससे स्थानीय भाषाओं को और भी समृद्धि मिलेगी। वहीं लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। इन प्रयासों से सूचना क्रांति की सदी में अब तय होगा सटीक और भरोसेमंद सूचनाओं से सुशासन और विकास का। और ये बरहरवा में भी हुआ है और आज के इस मनोरंजन के युग में इस तरह का FM का उद्घाटन होना ये बहुत ही एक मायने रखता है, क्योंकि ये मनोरंजन का युग है और मनोरंजन के साथ साथ इस क्षेत्र के लोग जो है बरहरवा, पूरे बरहरवा वासी मनोरंजन का तो आनंद लेंगे ही, साथ ही साथ हमारे इस नगर और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको कोई जगह नहीं मिलता था। आज इस FM के चालू हो जाने से उनको भी अपने कला को उभारने का ये मौका मिलेगा और ये एक सराहनीय कदम है इसके लिए। ये हमारा क्षेत्र बिहार के समय भी काफ़ी पिछड़ा था और आज झारखंड में भी काफ़ी पिछड़ा है और यहाँ के लोग विकास के मामले में बहुत अनभिज्ञ हैं, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो इनके बनने के बाद से इस क्षेत्र के लोगों में एक आस जगी है कि अब हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। और हम देख भी रहे हैं कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो स्थितियाँ थी इस क्षेत्र की, उस पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज सड़क के मामले में कहिए, स्वास्थ्य के मामले में कहिए या कृषि के क्षेत्र में कहिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन।